दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए बॉडी के सेंसिटिव पार्ट जो कि नर्वस पार्ट होते हैं। तो वहाँ बस आप इस वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ वो सेल्फ डिफेंस के बारे में है। तो कैसे आप अपने शरीर को बचा सकते हैं किसी भी अटैक से। तो चलिए इस वीडियो में जानिए और क्या क्या सेंसिटिव पार्ट है, मतलब सम्मुख भाग और पोस्चर भाग। शरीर के दो पार्ट होते हैं, एक आगे वाला पार्ट और पीछे वाला बैक साइड का पार्ट। तो उसमें से कौन से सेंसिटिव पार्ट होते हैं बॉडी का, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मतलब कराटा सीखते हैं, टैकंडो सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, उन लोगों के लिए मैं खास करके बता दूँ, ये मतलब जानना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो पे बनिए और देखिए आगे क्या क्या सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का होता है शरीर का, जो कि होता है हम लोग का हेड से टो तक हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग का होता है हेड। हेड का जो तालू होता है हेड का, उसमें आप अगर अटैक करते हैं तो आदमी जो भी एनिमी रहता है वह तुरंत ही मतलब बेहोश जाएगा, तुरंत ही अटैक करने से तुरंत ही बेहोश हो जाएगा। और सेकंड पार्ट आपका है आइस, जो कि आप आँख में थोड़ा सा भी धूल घुस जाने से ही आँख बंद कर लेते हैं आप। तो आइस सेकंड पार्ट में आता है। आइस में थोड़ा सा भी आप हाथ से जोर से प्रेस कर दें तो आइस में प्रेशर पाने से आँख बंद हो जाएगा, तो एनिमी को दिखाई नहीं मिलेगा, तो उससे आप अटैक कर सकते हैं। ये दो नंबर हुआ। आप नोस में पंच मार के आप नाक तोड़ सकते हैं, खून निकलेगा, नाक पकड़ लेगा, बस। ये तीन नंबर। मुंह में भी आप अटैक कर सकते हैं, मुंह में मार दिए पंच, मुंह दांत उत में लग गया, खून निकल गया, बस मुंह पकड़ के बैठ गया। सेकंड फोर्थ नंबर आपका कान में, कान का पट्टी जो होता है, जो आप मारते हैं झप्पड़ मारते हैं या फिर हुक पंच मारते हैं, तो उस जगह में आप मारेंगे तो उस जगह का जो सेंसिटिव पार्ट है जो कि सीरा है, उसमें लगने से आप बेहोश हो सकते हैं। और कान में भी मारने से आप बेहोश हो सकते हैं। ये पांच छह नंबर। ये पट्टी में भी मारने से बेहोश हो सकता है, कान में भी अटैक करने से, कान से जैसे खून निकलने लगता है जोर से मारने से, कान में पंच मार दिए तो खून निकलने लगा। कान का पट्टी में माइंड से कनेक्शन रहता है, तो उससे आप अटैक करिएगा तो वो भी बेहोश हो जाएगा जल्दी। और आपका बॉडी का जो देख रहे हैं, ये जो सीरा निकला है, ये जो पार्ट है यहाँ का, ये पार्ट में भी आप हल्का सा यदि कट लग जाए तो आदमी का बाद यदि सारा खून बह गया हो तो उसका 15-20 मिनट बाद मर जाता है। यहाँ का जो कनेक्शन है पूरा आपका माइंड से लेकर हार्ट तक कनेक्शन होता है बॉडी का, तो उससे आप आदमी फ्रेश हो सकता है। ये जो मिडिल पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर जो निकला हुआ रहता है गला का, जो मेन गला का जो हड्डी निकला हुआ रहता है, वहाँ पर आप अटैक करेंगे तो वहाँ से भी बंदा अज्ञान हो सकता है, बेहोश हो सकता है। और यहाँ का जो देखेंगे थोड़ा सा गड्ढा जैसा है, वहाँ पर भी प्रेस करने से आदमी को प्रेशर पड़ता है, बॉडी माइंड ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पर अटैक करने से बच सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए हार्ट का पोजीशन है। हार्ट में यहाँ पर जोर से हिट करने से, जोर से हिट करे, जोर से पंच मारे तो आप आदमी जो सामने वाला जो बंदा है उसको कुछ देर के लिए मतलब रोक दिया जा सकता है, मार के गिरा देंगे, अपना थोड़ा देर रेस्ट करेगा, वो आपको तुरंत आके अटैक नहीं करेगा। एंड देन आप ये जो बेली पार्ट है, बेली पार्ट यहाँ पर आप अटैक कर सकते हैं, पंच मारेंगे तो ये डायरेक्ट बॉडी का स्टोमेज में इफेक्ट करते हैं तुरंत। और ये जो साइड का जो पार्ट है किडनी के साइड में, वहाँ पर आप अटैक करिएगा दोनों साइड में, तो वहाँ पर मारने से आपका एक साइड का जैसे पकड़ लिया, मार देने से, हिट कर देने से, तो ये आप अटैक करेंगे तो दोनों साइड का जो पंजरा के नीचे में जो किडनी का साइड है, वहाँ पर आप अटैक करने से बहुत जोर से लगता है,
और पैर का सेंसिटिव पार्ट ये मैं बता दूं, आप लोग तो सबको जानते हैं ये मेन पार्ट है, मेन पार्ट गोइंग पार्ट। गोइंग पार्ट में हिट करने से ही आदमी को बहुत जोर से लगता है, अज्ञान हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये गोइंग पार्ट है। एंड देन ये थाई, थाई में आप अटैक करिएगा, ये देखिएगा थोड़ा सा ही हिट करने से इफेक्ट पूरा जोर से लगता है, थोड़ा सा हिट करने से। इनर पार्ट से हिट करिएगा, इनर से हिट करके तो यहाँ पर बहुत जोर से ही लगता है। देन ये आप लोग का हो जाता है नी, ये नी, यहाँ पर आप लोग बहुत जोर से किक से हिट करते हैं या फिर साइड से हिट करते हैं तो यहाँ पर जोर से हिट करने से पैर टूट सकता है, प्रेशर पॉइंट से आप लोग हिट कर सकते हैं। तो और ये जो मिडिल पार्ट है, एंगल पार्ट का साइड में जो आप साइड से अगर स्लैब से आप किक करें पूरा पावर लगा के तो यहाँ का हड्डी भी टूट सकता है। और ये जो एंकल दिख रहा है जो यहाँ पर ये जो निकला हो रहता है एड़ी का जो जॉइंट, यहाँ पर आप अगर हिट करें यहाँ पर जो सीरा निकला हो रहा था वो वाला हल्का सा यदि कट हो गया तो बॉडी इंसान तुरंत ही बेहोश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एड़ी से लेकर माइंड तक आपका कनेक्शन रहता है पूरा बॉडी का फुल, तो उससे आपको पूरा बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। ये हो गया। देन हाथ का आपको मैं बता दूँ, हाथ में यहाँ पर ये जो देख रहे हैं जो हड्डी निकला है यहाँ का जो मेन सीरा जो है यहाँ पर थोड़ा सा ही लगने से झनकार देता है यहाँ का। देन ऐसे आप हाथ का जो आर्म है, आर्म का मिडिल जो है वहाँ पर हिट करने से ही आदमी हाथ टूट सकता है आदमी का। शोल्डर में भी अटैक कर सकते हैं शोल्डर को। ये मेन पोस्चर में आपको बता दिया इस वीडियो में, और समझिए, और इसके लिए प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल अच्छी तरह से। ये मैं दिखा दिया बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैं इस वीडियो में लिख के भी बता दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। सेंसेई ओस।